नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक आवर चैनल। गाइस, बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग टॉपिक है ये आज का, जो कि हम बात करने वाले हैं स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के ऊपर। ठीक है गाइस, ये इतना काम की चीज है कि आप अगर कहीं पे भी ट्रेड लेते हो तो इसमें जो प्रॉफिट बनाने के चांस है उसकी प्रॉफिटेबिलिटी तो ज्यादा ही है, उसके बजाय आपका जो रिस्क है वो बिल्कुल इसमें कम रहता है और रिवार्ड है वो बहुत ज्यादा रहता है। अगर आप ट्रेड करते होंगे तो 1:2 पे आपने काम किया होगा, 1:3 के आसपास भी गए होंगे, लेकिन यहाँ पे 1:10, 15 और ऐसे बड़े बड़े और भी ज्यादा रिस्क रिवार्ड मिल जाते हैं, जहाँ पे कि आपको कम समय में अधिक पैसा बन सकता है। ठीक है, पहले हम देखिए स्मार्ट मनी का ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है, हर चीज समझेंगे एक एक तरीके से, आपको बिल्कुल आसान भाषा में मैं एक्सप्लेन करूंगा। तो हम एक बार शब्द को समझ लेते हैं कि आखिर स्मार्ट मनी का मतलब क्या होता है। ओके, तो स्मार्ट मनी का मतलब सिंपल सी बात है कि ऐसा पैसा जहां पे आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़े, कम समय में आपको अच्छा पैसा बनने का मौका मिल जाए, उसी को स्मार्ट मनी कहते हैं। बहुत सारी स्ट्रेटेजीज यूज की होगी आपने, बहुत सारे कुछ है ना, लेकिन वहां पे क्या होता है, हमें वेट रिसर्च सब कुछ बहुत ज्यादा होता है, उसके बाद जो रिस्क रिवार्ड रेशियो होता है वो भी थोड़ा कम मिलता है। बट इसके अंदर क्या है कि आपको कम टाइम में एक बड़ा टारगेट मिल जाता है, ठीक है, और वो भी एक्सपोनेंशियल मूव के अकॉर्डिंग। तो इसी को स्मार्ट मनी कहते हैं। अब स्मार्ट मनी होते क्या चीज है और कौन कौन होते हैं स्मार्ट मनी के अंदर? ओके, तो भाई स्मार्ट मनी के अंदर जो भी हैं वो बड़े प्लेयर्स होते हैं जिनके पास जबरदस्त पूंजी है, अच्छा खासा पैसा है, जो मार्केट को अच्छी तरीके से ऊपर नीचे उठा पटक कर सकते हैं। ओके, इनके अंदर आते हैं गाइस संस्थागत निवेशक। अब संस्थागत निवेशक कौन है कि इंस्टीट्यूशंस होते हैं बड़े बड़े, जैसे हमारे देश के हैं DIIs, ठीक है। अब DIIs के अंदर कौन है, जैसे LIC वाले हैं और म्यूचुअल फंड हैं बड़े बड़े, बड़े बड़े ब्रोकर हैं, तो इनके पास पैसा की कमी नहीं है, इनके पास करोड़ों रुपए हैं। और अब ये बंदे जहां पे एंटर कर रहे हैं ना, उस जगह से आप बताओ ये अगर करोड़ों रुपए से कहीं पे भी कुछ खरीदते हैं तो वो मार्केट में ऊपर जाएगा नहीं जाएगा? जाएगा ना। तो जितना ये चाहते हैं, अच्छी तरह खरीदारी करते हैं तो मार्केट को ऊपर ले जा सकते हैं, और अगर ये बिकवाली करते हैं तो मार्केट को गिरा सकते हैं, ठीक है। तो हमें क्या करना है, हमें सिर्फ इनका ऐसा लेवल पता करना है कि जहां से ये एंटर कर सकते हैं, छोटा सा स्टॉप लॉस के साथ हमें वहां पे एंट्री लेनी है और इनके साथ मार्केट में घुस जाना है और जबरदस्त पैसा बनाने का मजा लेना है, ठीक है। आज तक आपने जो भी सेटअप यूज किए होंगे उनमें रिस्क रिवार्ड रेशियो बहुत थोड़ा कम ही रहता है, और थोड़े उनके क्या है कि प्रोबेबिलिटी कम होती है, पर यहाँ पे आपके स्टॉप लॉस कम हिट होते हैं और आपको अच्छा पैसा भी बनाने का मौका मिलता है। तो DIIs कौन है, हमारे देश के बड़े डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर होते हैं, जो कि आप जानते होंगे LIC, म्यूचुअल फंड वगैरह, हेज फंड मैनेजर्स, ये सब कुछ। और FIIs होते हैं जो कि दूसरे देश के निवेशक होते हैं, उनको FIIs कहा जाता है, इनके पास भी करोड़ों रुपए हैं। तो आप डेली देखते होंगे डेटा कि यार आज FIIs ने 1,000 करोड़ रुपए की बाइंग की है, 5,000 करोड़ रुपए की सेलिंग की है, तो वो सब कुछ जो भी डेटा होता है ना, ये बड़े प्लेयर खरीदते बेचते हैं डेली और अच्छी ट्रेडिंग करते हैं। ओके, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज गाइस, ये बंदे जब भी खरीदते बेचते हैं हमें उनको सही से पकड़ना होता है कि कहाँ पे खरीद रहे हैं, उसके लिए थोड़ी बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, ज्यादा नहीं है, बस बिल्कुल ना के बराबर मेहनत है। ओके, तो वही चीज हम जानेंगे कहाँ पे ये एंटर कर सकते हैं, और ये बंदे कभी नहीं चाहते कि लोगों को पता चले कि हम कहाँ पे घुस रहे हैं, ठीक है। तो वो ट्रिक्स और टिप्स सब कुछ आपको बताने वाला हूँ। नेक्स्ट स्मार्ट मनी के अंदर कौन आते हैं, तो केंद्रीय बैंक, ठीक है, यानी कि सेंट्रल बैंक्स, जो कि करोड़ों में शेयर्स खरीदते बेचते हैं, अन्य वित्तीय संस्थाएं या फिर जिनके पास जबरदस्त पैसा है, ये मार्केट को नियंत्रित करते हैं और इन्हीं को स्मार्ट मनी कहा जाता है। ओके, तो मैंने पहले आपको वर्ड का मतलब बताया, उसके बाद इसकी परिभाषा भी बता दी है ताकि आप इसको अच्छे से समझ पाओ। अब ये स्मार्ट मनी देखिए कि कोई भी अगर रिटेल बंदे होते हैं तो 90% मान लो आपने सुना होगा कि यार मार्केट में रिटेलर्स हैं। ओके, तो इनके हाथ में भी होता होगा कि यार ये भी मार्केट को ऊपर ले जा सकते हैं और गिरा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, लेकिन होता क्या है यहाँ पे, इन 90% देखिए, इन 10% के पास जो पैसा है वो 90% के पास जितना पैसा है उसके बराबर है, ठीक है। बट फर्क ये है कि ये 90% लोगों का माइंडसेट और सबका व्यू अलग है। इनमें से बहुत से लोगों को लग रहा होगा मार्केट यहाँ से गिर रहा है,
तो वो सेलिंग की पोजीशन बनाएंगे। बहुत से लोगों को लग रहा होगा कि मार्केट यहाँ से बढ़ सकता है, तो वो बाइंग की पोजीशन बनाएंगे। और जब भी मार्केट गिरता है तो आपको पता होगा तेजी में गिरता है, क्योंकि जब गिरने वाला होता है तब यहाँ पे 90 से देखे कम से कम 60% लोग साथ होते हैं। इस वजह से मार्केट में जबरदस्त गिरावट हो सकती है। बट जब मार्केट बढ़ता है या गिरता है तो तब ये क्या है कि 50-50% या थोड़ा बहुत आधे लोग ऊपर आधे लोग नीचे व्यू रखते हैं, तो उससे एक साथ ये मार्केट को ऊपर उठा या गिरा नहीं सकते। बट जो बड़े प्लेयर्स हैं वो क्या करते हैं, सामूहिक शक्ति होती है, वो एक साथ होते हैं। ठीक है, जो भी फंड लगाते हैं एक साथ लगाते हैं, तो उनके पास इतना दम आ जाता है कि वो चाहे तो मार्केट को ऊपर ले जा सकते हैं, चाहे तो मार्केट को नीचे ले जा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इनके पास सामूहिक शक्ति होती है जो कि बाजारों को नियंत्रित या स्थानांतरित करने की क्षमता रखती है। तो आप समझ चुके होंगे कि गाइस जब भी आपने कभी ट्रेड ली होगी वहां पे आपके बहुत सारे स्टॉप लॉस हिट हो जाते हैं, मार्केट आपको ब्रेकआउट बताता है लेकिन मार्केट वहां से गिर जाता है और आपका स्टॉप लॉस हो जाता है। तो जो स्टॉप लॉस हंटिंग होती है, ट्रैप होते हैं मार्केट के अंदर, वो इन्हीं के द्वारा होते हैं। और उन ट्रैप से कैसे बच के, उन ट्रैप में कैसे पैसा बनाना है, फेक ब्रेकआउट और फॉल्स ब्रेकआउट पे कैसे पैसा बनाना है, हम सीरीज टू सीरीज समझेंगे। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, इस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसके लिए काफी मेहनत भी करनी पड़ी है, तो बस लाइक कर दीजिएगा आप। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं गाइस। अब इसको समझने के लिए आपको कुछ चीजें समझनी पड़ेगी इसकी, क्योंकि जो इसकी मेन बिल्डिंग होती है, कहाँ से ये बनता है, क्या क्या होता है। ठीक है, तो जो इसके पिलर है उनकी बात कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए BOCH यानी ब्रेकअप स्ट्रक्चर, बुलिश ब्रेकअप स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से होते हैं, तो मैं इनको आपको एक एक एक्सप्लेन करूंगा ताकि आप अच्छे से समझ पाओ। ज्यादा इतने भी टेक्निकल नहीं होंगे, हम हमारी भाषा में भी समझ लेंगे, पर इससे अच्छा आप एक बार उनको जो यूरोपियन कंट्रीज है उनमें क्या बोला जाता है इसी को हम हमारी लैंग्वेज में समझेंगे, आसान भाषा में। ओके, ऑर्डर ब्लॉक, डिस्काउंट एरिया, प्रीमियम एरिया, ये सब कुछ भी हम अपने लेवल पे और अपने हिसाब से समझ लेंगे। ओके, चलिए अब सबसे पहले गाइज इसको स्टार्ट करें, उससे पहले आपको कुछ चीजें बता देता हूँ जो कि आपके लिए काफी इजी रहेगी इसको समझने के लिए। तो आपने सुना होगा मार्केट में जनरली तीन ट्रेंड होते हैं या मार्केट में तीन प्रकार का फेज होते हैं। सबसे पहला मार्केट अप गया, उसके बाद थोड़ा नीचे आया और वापस अप गया। तो मार्केट ने क्या बनाया, अपना एक हाई बनाया, हाई बनाने के बाद मार्केट ने एक लो बनाया। ओके, अगर इसका मतलब क्या है वो बताऊं आपको, हायर हाई या हायर लो बनने का, तो जिन लोगों ने यहाँ पे मान लो किसी शेयर को 100 रुपये पे खरीदा है, ठीक है, और वो शेयर अगर 150 रुपये पे चला गया है, तो जनरली बहुत सारे लोग यहाँ पे क्या करेंगे, प्रॉफिट बुक करेंगे। ठीक है, तो ये प्रॉफिट बुक करने के कारण मार्केट क्या है, नीचे आ जाता है। लेकिन जब ये नीचे आता है तो 125 पे आ गया मान लो, तो यहाँ पे क्या होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं जिन्होंने 100 रुपये पे इसको बाय करना मिस कर दिया है। इन लोगों का व्यू होता है कि यार ये तो अभी और भी ऊपर जाएगा, तो यहाँ पे नए बायर्स एंटर होते हैं। उसी की वजह से मार्केट अपना एक नई ट्रेडिंग स्टार्ट करता है, नई जर्नी स्टार्ट करता है, हाई को ब्रेक करने के बाद अगेन नया हायर हाई और हायर लो की सिचुएशंस क्रिएट होती है। ओके, तो एक चीज तो कंफर्म है, मार्केट कभी भी सीधा ऊपर नहीं जाता है, और अगर जाता है तो आप अडानी के शेयरों को देख सकते हो कि आज वो कहाँ पे है, जितनी तेजी से ऊपर गए उतनी तेजी से नीचे भी आ चुके हैं। ओके, तो ये पहला फेज था जहां पे मार्केट अपना हायर हाई हायर लो हायर हाई हायर लो की कंडीशन में चलता है। इसी के अंदर हमें यहाँ पे पता करना है इंस्टीट्यूशंस कहाँ पे एंटर कर सकते हैं। फिर मार्केट की नेक्स्ट जर्नी स्टार्ट होती है, वो होती है एक ऐसे फेज में जो कि मार्केट में नेचुरल होता है। ओके, जिसमें कि मार्केट या तो एक्यूमुलेशन कर रहा है या फिर मार्केट इस लेवल पे क्या कर रहा है, प्लान कर रहा है कि मार्केट में बायर और सेलर के बीच में फाइट चलती है कि मैं ऊपर ले जाऊंगा और सेलर वाले बोलते हैं हम इसको गिराएंगे। तो इन फेज में हमें बच के रहना है कि जब मार्केट बिल्कुल साइडवेज हो तब हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे मार्केट से बचना है, क्योंकि इस वाले लेवल पे बायर और सेलर के बीच में हम कहीं ना फंस जाए। इसी जगह पे सबसे ज्यादा आपको ट्रैप और फेक ब्रेकआउट देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब गाइज इन सब के फाइट खत्म होने के बाद मार्केट में एक नया ट्रेंड या नया रिवर्सल स्टार्ट होता है। अगर ये मार्केट अपने पुराने लेवल्स को ब्रेक करके एक नया हाई बनाना स्टार्ट करता है, इसका मतलब ये अभी भी बाइंग जोन है और यहाँ से बायर आ सकते हैं। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो मार्केट में क्या हो सकता है, अगर मार्केट अपना इस फेज को ब्रेक कर देता है, ठीक है,
तो मार्केट की एक नई शुरुआत होती है, वो होती है डाउन ट्रेंड की। तो यहाँ से हमें पता चलता है मार्केट रिवर्स कर सकता है और मार्केट में एक लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई की कंडीशंस निकल जाती है। अब यहाँ पे मेन चीज़ क्या है कि मेन चीज़ ये है कि जहाँ पे बड़े प्लेयर एंटर करते हैं, ठीक है, ऐसे लेवल्स को हमें ढूंढना है, और जहाँ पे बड़े प्लेयर एग्जिट करते हैं ऐसे लेवल पे हमें सेलिंग का प्लान करना है। ओके, सिंपल सी बात है, आई होप आप समझ गए होंगे, और नेक्स्ट हम और भी समझेंगे। ये क्या है कि आप एक बार इसको जान लो ताकि आगे जो मैं बताऊंगा वो आपके समझ में आ जाए। ओके ठीक है, तो इसी से रिलेटेड अब ये आपके सामने चार्ट आ चुका है। ओके, तो मैंने आपको क्या बताया था, मार्केट हायर हाई लगाता है, उसके बाद गिरता है, फिर अगर इसको ब्रेक करता है तो यहाँ पे देखिए एक टर्म्स लिखा हुआ है BOS। ओके, इसका मतलब क्या होता है, बुलिश ब्रेकअप स्ट्रक्चर, यानी कि अपनी भाषा हम बोले तो सिंपल है, मार्केट ने अपना जो पिछला हाई था उसको ब्रेक कर दिया है, ठीक है, फिर वापस मार्केट गिरता है, फिर ऊपर जाता है, इसका मतलब भी बुलिश ब्रेकअप स्ट्रक्चर, मार्केट ने पिछला हाई ब्रेक कर दिया है, ठीक है। नेक्स्ट मार्केट जब भी आता है तो हमें यहाँ पे दो ट्रेंड के बाद एक मौका मिलता है जहां से मार्केट ने पिछली बार भी बाइंग की थी, तो ये ऐसा एरिया होता है जहां पे डिस्काउंट एरिया कहा जाता है। ये तो हमें डिस्काउंट एरिया को कभी मिस नहीं करना है। डिस्काउंट एरिया क्या होता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो पहले आपने अभी जो समझा है वो है अप ट्रेंड, जो कि मैंने आपको पहले ही बताया था, ठीक है। तो इसमें क्या है कि इन शब्दों का कैसे यूज होता है, ये देखिए मार्केट ने जो पिछला हाई है उस हाई को ब्रेक करते हैं, क्या बोलते हैं, बुलिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। हमें इससे कुछ फर्क नहीं, हमें ये ध्यान रखना है हाँ भाई मार्केट ने हाई को ब्रेक कर दिया है। ओके, अब इसके अंदर गाइस कुछ चीजें होती है जैसे कि फिबोनाची एक्सटेंशन, फिबोनाची रिट्रेसमेंट, ये सब कुछ भी इसमें यूज किया जाता है। तो जो फिबोनाची के लेवल्स जो आप निकालते हो वो भी बड़े ऑपरेटर्स द्वारा निकाले जाते हैं, उन ऑपरेटर्स पे भी बड़े प्लेयर एंटर करते हैं। तो फिबोनाची मेन आपने रिट्रेसमेंट सुना होगा, फिबोनाची एक्सटेंशन भी यहाँ पे आता है। मैं उन दोनों के वीडियो भी सेपरेट वीडियो पोस्ट कर दूंगा, एपिसोड वाइज हम चलेंगे ताकि हर एक चीज आपको सही से एक्सप्लेन मैं कर पाऊं। ओके, तो हमें किस चीज का पता करना है, डिस्काउंट एरिया का, अगर हम यहाँ पे बायर बनना चाहते हैं या बुलिश पोजीशन क्रिएट करना चाहते हैं। नेक्स्ट आ जाता है, मैंने अभी आपको बताया डाउन ट्रेंड में मार्केट लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई की कंडीशन चलता है। तो जब भी मार्केट गिरेगा तो उसमें क्या होता है कि अगेन मार्केट ने अगर पिछला लो को ब्रेक किया है तो उसको बीरिश ब्रेकअप स्ट्रक्चर कहा जाता है, और अगर मार्केट का कोई भी करेक्टर चेंज होता है उसमें आपको बताऊंगा। जैसे कि यहाँ पे देखिए एक साइडवेज मार्केट का भी बता रखा है, तो ये साइडवेज मार्केट अगर यहाँ पे ब्रेक करके निकलता है तो इसको चेंज ऑफ करेक्टर कहते हैं, यानी कि जो पुरानी स्थिति थी वो चेंज हो चुकी है। ओके, अब इसमें हमें अगर मार्केट गिर रहा है तो वहां पे हमें प्रीमियम एरिया निकालना है जिसमें कि हम यहाँ पे सेलिंग कर सकते हैं बड़े प्लेयर के साथ। अब मैं इन शब्दों को और भी इजी भाषा में आपको समझाने की कोशिश करूंगा ताकि आप स्मार्ट मनी को अच्छी तरीके से समझ पाओ, ठीक है दोस्तों। वीडियो को एंड तक जरूर देखिए दोस्तों, क्योंकि वीडियो बनाने में भी मेहनत लगी है तो उसको तो आपको वसूल करना चाहिए। ओके, और एक लाइक तो जरूर कर देना। चलो सबसे पहले जो स्मार्ट मनी का टर्म्स होती है, अभी मैंने सब कुछ बताया भी है तो इसको और भी ज्यादा इजी में ले लेते हैं। यहाँ पे BOCH यानी कि अगर मार्केट ने हाई लगाया और मार्केट ने पिछला हाई को ब्रेक किया है तो ब्रेकअप स्ट्रक्चर कहा जाता है, बुलिश ब्रेकअप स्ट्रक्चर। अगर मार्केट पिछले हाई को ब्रेक कर रहा है इसका मतलब बुलिश हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे जो मार्केट की स्थिति है वो अगेन चेंज हो चुकी है। नेक्स्ट है CHOCH यानी कि चेंज ऑफ करेक्टर। इसका भी मैंने बताया कि मार्केट किसी भी एक फेज में रहने के बाद अगर मार्केट अप या डाउन किसी भी साइड में ब्रेक करता है तो जो पुरानी स्थिति थी वो चेंज हो चुकी है, यानी कि चेंज ऑफ करेक्टर, उसका करेक्टर चेंज हो चुका है। ओके, नेक्स्ट बात कर लेते हैं गाइस स्मार्ट मनी के ऑर्डर ब्लॉक चीज की। ये बहुत कमाल की चीज है गाइस, ऑर्डर ब्लॉक एक ऐसी चीज है ना कि इसके दम पे आपको ट्रेड जबरदस्त तरीके से मिल जाएंगे और आप पहले ही प्रेडिक्ट कर सकते हो। ओके, यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक का मतलब सिंपल सी बात है कि जहां पे बड़े बड़े प्लेयर्स या इंस्टीट्यूशंस के ऑर्डर पेंडिंग पड़े हुए होते हैं, ठीक है, तो क्या होता है कि वहां पे मार्केट अगर ऊपर भी चला गया है ना तो कभी ना कभी मार्केट उस लेवल पे जरूर आएगा,
कभी ना, क्योंकि क्या बहुत जल्दी आ जाता है, ठीक है, ये चीज ध्यान रखिए। तो उस लेवल पे आते ही मार्केट में अगेन एक भयानक तेजी स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। ऐसे ऑर्डर्स कहाँ पड़े हुए हैं, हमें इन चीज का पता करना होगा। ये गाइस एक टेक महिंद्रा का शेयर्स का है, जिसमें कि आप देख सकते हो यहाँ पे मार्केट में अगर जो कैंडल्स बनती है इस वाले लेवल पे आप चेक करो, जबरदस्त तेजी। लेकिन क्या हुआ, इसी लेवल के यहाँ से देखिए मार्केट का एक इम्पोर्टेंट लेवल है, इस लेवल पे प्रॉफिट बुकिंग आई है। ओके, तो अगर आप देखो यहाँ पे जहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आई है वहां से मार्केट जबरदस्त गिरा है। सेकंड चांस क्या है कि मार्केट जब भी आएगा यहाँ पे जरूर गिरेगा, क्योंकि यहाँ पे ऑर्डर पेंडिंग पड़े हुए हैं। ओके, तो यहाँ पे जो ऑर्डर पेंडिंग पड़े हैं 50% रिट्रेसमेंट, जो कि फिबोनैसी लेवल यूज करते हैं, इन लेवल पे भी इंस्टीट्यूशंस के ऑर्डर होते हैं। तो यहाँ से भी मार्केट गिरा, लोगों को एक डब्ल्यू पैटर्न दिखा, अगेन इस लेवल को ब्रेक करके मार्केट इस लेवल पे आना चाहता है जहाँ से कि इंस्टीट्यूशंस के जो ऑर्डर हैं वो अच्छी प्राइस पे बेच सकें, ठीक है। तो अगर आप देखो कि यार ये तीन कैंडल ने मार्केट में अच्छा ब्रेकआउट दे दिया है, हम इस शेयर को बाय कर सकते हैं और अच्छा खासा यहाँ पे पैसा बन जाएगा, तो ये आपकी गलत फहमी है, क्योंकि ऐसा नहीं होने वाला है यहाँ पे। क्यों? क्योंकि सिंपल सी बात है, इस शेयर को आप अभी जाके चेक कर सकते हो, क्योंकि कुछ दिनों पहले का चार्ट है यहाँ तक का। तो यहाँ पे हुआ क्या है, मैन की मैंने आपको क्या बताया, ऑर्डर पेंडिंग रहते हैं। ओके, तो हमें क्या पता चला, इस लेवल पे मार्केट के ऑर्डर पेंडिंग है। ओके, तो अब सिचुएशन यहाँ पे है कि अगर मार्केट थोड़ा टाइम यहाँ पे स्पेंड करता फिर धीरे धीरे जाता, ओके, तो इस प्रकार से मार्केट जाना चाहिए। कभी भी बाइंग के लिए अगर 90 डिग्री के एंगल पे जा रहा है तो पॉसिबल ही नहीं है, वो स्टॉक हमेशा भागता जाएगा, ठीक है। तो ये जो कैंडल हैं ये देखो आप, तो अचानक बड़ी बड़ी कैंडल्स का बनना, ठीक है, तो ये क्या करेगा, वापस धीरे धीरे सेलिंग में आ जाएगा बहुत ही जल्दी। तो ऐसे टाइम पे हमें नहीं बाई करना है, हमें बाई करना है तब जहाँ पे हमें ये पता चले कि हाँ यार मार्केट एक वैलिड जाना चाहिए। यहाँ पे देखिए किस प्रकार से ये गया था, ठीक है, तो इस प्रकार से अगर 90 डिग्री के एंगल पे ये सेलिंग के लिए जाता है तो वो एक वैलिड नहीं है। दूसरी चीज है कि यहाँ पे कैसे पता कर सकते हैं हम ऑर्डर ब्लॉक को, यानी कि ऑर्डर ब्लॉक जहाँ पे बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन के ऑर्डर पड़े हैं उनको हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, इसका मैं एक सेपरेट वीडियो पोस्ट करूंगा, क्योंकि वो तगड़ी चीज है ये, ट्रेडिंग में मेन चीज यही है। और एक फिबोनैसी एक्सटेंशन है, और भी कुछ एक्स्ट्रा चीजें हैं जो कि मैं आपको बताऊंगा, पर हर एक चीज हम है ना आराम से सीखेंगे, जल्दबाजी नहीं करनी किसी भी चीज की। ओके, नेक्स्ट आ जाती है डिस्काउंट प्राइस क्या होती है, ठीक है। अब मार्केट गाइस जहां से तेजी दिखा रहा है उसी तेजी के बाद मार्केट जब वहां पर वापस आता है, तो जहां से पिछली बार अच्छी खासी तेजी आई है, अगर उसी जगह पे मार्केट आ रहा है तो वहां पे क्या है, हमें डिस्काउंट मिल रहा है कि भाई जो चीज पहले आपको देखी, ये जो शेयर है इसका मैंने टेलीग्राम में पोस्ट किया था कुछ दिनों पहले, और जब इस लेवल पे आया तो मैंने बाइंग का भी बता रखा था कि इस लेवल से हम बाई कर सकते हैं, और इसमें टारगेट भी अच्छा खासा अचीव हुआ था, ठीक है। तो जब मैंने इसका डाला था तब मार्केट के ये इस लेवल पे था, उसके बाद ये गिरा गिरा, और ये सब कुछ चीजें मैंने पहले ही डाल रखी थी, आप टेलीग्राम में जाके देख सकते हो, कुछ टाइम पहले बताया था। ओके, तो जब ये गिरा अगेन यहाँ पे हमारा आया, तो उसके बाद हमारी एंट्री बनी थी, ठीक है। तो ऐसा समझ लीजिए कि ये जितनी कैंडल है 15-20 दिन पहले ही हमने ये चीज प्रेडिक्ट कर रखी थी कि इस लेवल पे आएगा और यहाँ तक हमारा टारगेट बनेगा। तो ये जो एरिया है वो क्या है, डिस्काउंट एरिया, जहाँ पे प्राइस महंगी नहीं हमें सस्ती मिल रही है। ओके, तो जब भी फ्लिपकार्ट पे ऑफर चलते हैं और आपको पता है अरे यार जो चीज 10,000 की थी वो अभी 8,000-9,000 में मिल रही है, तो आप वहां पे बाय कर सकते हो क्योंकि आपको डिस्काउंट मिल रहा है। इसी प्रकार से शेयर में डिस्काउंट एरिया भी होते हैं। नेक्स्ट स्मार्ट मनी का आता है प्रीमियम एरिया। जैसे कि डिस्काउंट एरिया होता है उसी प्रकार से प्रीमियम एरिया होता है, जहां पे क्या हो सकता है, आप ज्यादा पैसों में किसी भी चीज को बेच सकते हो, है ना, और उसको क्या कर सकते हो, कम पैसों में खरीद सकते हो। आई होप आप इसको समझ पा रहे थे। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ है, इस लेवल से अच्छी खासी बाइंग आई है और यहाँ से अगेन बाइंग आई है, ये भी ऑर्डर ब्लॉक के अंदर ही आता है, इसका भी मैंने टेलीग्राम में पोस्ट किया था। तो जैसे ही ये यहाँ पे आया उसके बाद क्या हुआ, एक अच्छी खासी यहाँ पे सेलिंग की हमें मिल चुका है। क्यों सेलिंग के लिए मिल चुका है, क्योंकि जब इतने बड़े लेवल से यहाँ पे सेलिंग हो सकती है, ठीक है, जहाँ पे बाइंग आनी चाहिए वहां पे बाइंग नहीं सेलिंग आती है,
तो इसका मतलब ये है कि हमें एक डिस्काउंट मिल रहा है इस वाले लेवल तक, एक बड़ी रैली और बड़ी चीज। अगर ये यहाँ पे वापस आता है तो इस लेवल से क्या होगा, यहाँ पे बायर्स आ सकते हैं और इसको ऊपर ले जा सकते हैं। तो जो मेन सेलिंग का एरिया है और जहाँ पे आपको सेलिंग करके अच्छा पैसा मिल सकता है, उसी को हम प्रीमियम एरिया कहते हैं। ठीक है, तो मान लो ये शेयर यहाँ पे आया, अगेन 360 रुपये पे जाता है, तो हम यहाँ पे सेलिंग का एक प्लान बना सकते हैं छोटा सा स्टॉप लॉस के लिए, क्योंकि यहाँ पे एक अच्छा प्रीमियम मिल रहा है, हमें अच्छे पैसों में सेल करने की अपॉर्चुनिटी मिल रही है। ओके, नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम। ये अगेन वही चार्ट आ चुका है। ठीक है, अब इस चार्ट में मैंने जो भी आपको बताया वो और भी इसी से एक्सप्लेन करता हूँ। मार्केट गया, देखिए इतने बड़ी रैली के बाद मार्केट ने अगेन अपना जो हायर लो है वो बनाया, पिछला हायर हाई भी यही था। तो इसी लेवल से मार्केट में पिछली बार तेजी आई थी, अभी भी इसी लेवल से मार्केट में तेजी आ सकती है। तो अगर हमने यहाँ पे देखिए इस लेवल पे मिस कर दिया है, इस लेवल पे भी हमने पहले बाय करना मिस कर दिया, तो हमें यहाँ पे डिस्काउंट मिल रहा है, क्योंकि मान लो ये प्राइस देखिए, ये जो प्राइस है इतनी हाई गई थी, उसके बाद ये वापस नीचे आई, तो हमें तो सस्ती मिल रही है, तो हम छोटा स्टॉप लॉस के साथ बाइंग कर सकते हैं, क्योंकि जो पिछला ट्रेंड है वो क्या है, बुलिश ट्रेंड है। ठीक है, इसी प्रकार से हम जो पिछला ट्रेंड है वो सेलिंग का है, और हमें यहाँ पे मार्केट ने एक लोअर हाई बनाया, तो यहाँ पे सेलिंग की अपॉर्चुनिटी मिल रही है, क्योंकि जो पिछला ट्रेंड है वो सेलिंग का है, हम यहाँ पे ज्यादा पैसों में सेल करके कम पैसों में आराम से खरीद सकते हैं। ठीक है, तो अब मैं आपको बता देता हूँ गाइस चार्ट। ठीक है, जो चार्ट बताऊंगा निफ्टी फिफ्टी का और उसमें कैसे यूज करना है वो भी आपको बता देता हूँ, फिर मैं एक एक एपिसोड वाइज वीडियोज लाऊंगा। उससे पहले एक रिक्वेस्ट है कि 1000 लाइक आप कर दीजिए, अगर 1000 लाइक आप कर देते हो तो हम गाइस आपके लिए स्पेशल सीरीज ये है कंटिन्यू रखेंगे। और हमारा जो चैनल का नाम है, पहले ये था प्राइज एक्शन ट्रेडर्स अकेडमी, लेकिन नाम बहुत बड़ा था तो बहुत से हमारे सब्सक्राइबर्स को भी याद नहीं रहता है कि यार आखिर क्या नाम है, तो हमने हमारे चैनल का नाम अभी चेंज कर दिया है। ठीक है, बस आपसे एम करते हैं कि आप 1000 लाइक कर दो और वीडियो को सब्सक्राइब कर दो, ताकि ये जानकारी हर एक बंदे के पास पहुँच जाए जिनको इसकी ज़रूरत है। चलिए अब बात कर लेते हैं हम चार्ट के ऊपर जाके कि कैसे इसको यूज़ करना है। तो दोस्तों हम यहाँ पे आ चुके हैं 15 मिनट चार्ट निफ्टी 50 का, और यहाँ पे देख सकते हो सेम आपको कुछ प्राइस एक्शन देखने मिल रहे हैं। मार्केट ऊपर गया, पिछले हाई को ब्रेक किया, तो मार्केट ने बीओएस लिखा हुआ है, यानी कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बुलिश वाला। ठीक है, तो ये सब कुछ ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, इन सब चीज़ों को मैं अपनी आसान भाषा में समझा दूंगा, लेकिन अगर आप इन चीज़ों का यूज़ करना चाहते हो इसी तरीके से, ठीक है, तो इसके लिए आपको ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, इसके लिए सिर्फ आपको एक इंडिकेटर की जरूरत है, वो है लक्स एल्गो का स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट का इंडिकेटर। ठीक है, तो जो लोग इसको प्रॉपर इसी प्रकार से देखना चाहते हैं तो वो ये कर सकते हैं, और हमारे जुगाड़ वाले तरीकों को यूज करना चाहते हैं तो वो मैं आपको बता देता हूँ। तो अभी मैं इस इंडिकेटर को हाइड कर देता हूँ और अपने तरीके से आपको बताता हूँ। ठीक है, तो जो तरीका आप भी यूज कर पाओ, पहली चीज है आपको ध्यान में ये चीज रखनी है कि जहां पे मार्केट में अच्छी खासी बाइंग आती है या फिर वहां से मार्केट जबरदस्त रैली करता है, ओके, ऐसे लेवल को आपको मार्क कर देना है, और इसमें जो है वो जोन में मार्क किया जाता है, यानी कि मार्केट में जोन क्रिएट किया जाता है। मान लो इस लेवल से जबरदस्त तेजिंग आई है ये, ठीक है, जहां से जितनी बड़ी रैली होगी उतना बड़ा यहाँ पे क्या है, जोन को क्रिएट किया जाता है। यहाँ पे देख सकते हो आप अच्छी खासी बड़ी रैली है, ओके, तो इस जोन को और भी बड़ा कर सकते हो आप। तो सिंपल इसमें इसी प्रकार के जोन क्रिएट किए जाते हैं। अब यहाँ पे देखिए थोड़ी सी सेलिंग आई है, तो इसको आप थोड़ी सी छोटा जोन क्रिएट कर सकते हो। अगर इसको ये हाई ब्रेक कर देता है, अगेन यहीं से रिटेस्ट लेके तेजी दिखा सकता है, ओके, तो इसमें मैं आपको थोड़ा बड़ी टाइम फ्रेम में दिखा देता हूँ, ताकि जो माइनर ट्रेंड है उसको हम ना देखें, ओके। अभी इसका जो यूज है वो कैसे करना है, तो गाइस सबसे पहले यहाँ पे देखिए ये जो लेवल था, ओके, यहाँ से क्या हुआ है, मार्केट में गिरावट आई थी, तो इसका मतलब क्या हुआ है कि जहाँ से एक बड़ी रैली करता है मार्केट या बड़ी गिरावट दिखाता है, वो लेवल क्या हो जाता है मार्केट के लिए, इंस्टीट्यूशन जोन। तो इसी लेवल से क्या हुआ है, बड़े प्लेयर एग्जिट किए, अगेन उनके ऑर्डर पेंडिंग थे इसी लेवल पे। ठीक है, तो हमने क्या किया, यहाँ पे आया, इसी लेवल पे हमने शॉर्ट की पोजीशन बनाना स्टार्ट किया, ओके। अगर इस चीज को आप देखो कि हाँ यार मार्केट ने एक डबल टॉप बनाया है, तो ठीक है, आप इसको ऐसा भी समझ सकते हो। ठीक है, तो जो 90% रिटेलर होते हैं वो इसी प्रकार के चार्ट पैटर्न ही यूज करते हैं, पर अगेन वही चीज है कि
इन चीज़ों का यूज सब करते हैं, तो वो इतना पैसा यहाँ पे और उतनी सटीक सांसें नहीं बना पाते हैं। ओके, तो जहाँ से देखिए मार्केट में रैली स्टार्ट होती है उस लेवल को हम मार कर लेते हैं। इस वाले लेवल को मार किया, इस वाले को, अब इस वाले को, ठीक है। तो इस प्रकार से जब भी आप लेवल को मार करना स्टार्ट करते हो तो आपको हर एक चीज़ अच्छी तरीके से समझ में आने लग जाएगी। अब मैं आपको इसका जो ट्रेंड है उसको मैं बताऊंगा कि कैसे इसको क्रिएट करना है। ओके, चलिए अब यहाँ पे और भी सटीकता से हम देखेंगे ऑर्डर ब्लॉक को कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है, उसका मैं सेपरेट भी बताऊंगा, लेकिन अभी आपको बताता हूँ कि कहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक पेंडिंग हो सकते हैं या बनते हैं। ठीक है, तो ऑर्डर ब्लॉक जब भी बनता है गाइस, उसके बीच में क्या है कि कुछ स्पेस छूट जाता है और वहाँ पे कैंडल होती है वो पूरी नहीं बन पाती है। ओके, तो जब इस प्रकार का एरिया बनता है, ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए कि आपस में कैंडल मैच नहीं हो पा रही है, ठीक है, तो इसमें इस जोन को आप क्रिएट कर सकते हो ऑर्डर ब्लॉक के रूप में। दूसरी चीज़ क्या है, जहाँ पे भी गैप्स छूटे हुए हैं, ऐसे गैप भी मार्केट में सिचुएशंस के जोन में काम आ सकते हैं। ठीक है, तो इस वाले गैप में आप यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हो लेवल और यहाँ पे ये लेवल ड्रॉ कर सकते हो। अब सिंपल सी बात है, मार्केट जब भी इस लेवल पे आता है आप यहाँ पे सेलिंग का प्लान कर सकते हो और आपको स्टॉप लॉस छोटा रखना है। ठीक है, जितना बड़ा गैप होगा उतना वो मार्केट के लिए लेवल्स काम करेंगे इंस्टीट्यूशंस के लिए, है ना। अभी क्या है कि गाइज हम ये देख लेते हैं कि चलो मंडे के दिन मार्केट में क्या सिचुएशंस हो सकती है। ओके, यानी कि मार्केट में आने वाला जो हफ्ता है वहाँ पे क्या सिचुएशंस बन सकती है। तो सबसे पहले गाइस मार्केट का जो नेक्स्ट लेवल है वो है 17,800, यानी कि 17,800 पे मार्केट का एक इंस्टीट्यूशन सेलिंग जोन है, क्योंकि यहीं से एक जबरदस्त गिरावट हुई है। 100% श्योर है मार्केट 17,000 के आसपास जाएगा और वहां से गिरना स्टार्ट कर सकता है। थोड़ा भी गिरो लेकिन गिरेगा, फिर अगर यहाँ पे टाइम पास करता है तो फिर ऊपर जाने की संभावना है। इसका मतलब क्या है कि 17,800 का लेवल मार्केट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी ये बैंक निफ्टी में भी आप देख सकते हो, बैंक निफ्टी में ये इंडिकेटर लगा हुआ है जो कि जोन क्रिएट कर देता है। ठीक है, तो आप इन जोन को बिल्कुल इंडिकेटर की सहायता से भी देख सकते हो। ओके, यहाँ से देखिए जब मार्केट ने बड़ी रैली की है, अगेन मार्केट कितने के बाद इसी लेवल पे आया है और यहीं से देखिए मार्केट ने तेजी दिखाना स्टार्ट कर दी है ना। तो कितना आप देख सकते हो वैलिड है, जिस जोन से बाइंग आई है उसी जोन से अगेन बाइंग आ जाती है ना। यहाँ पे भी अगर आप देखो तो इसी लेवल से मार्केट ने पिछली बार अच्छी तेजी दिखाई, अगेन इस वाले लेवल पे आते ही मार्केट ने तेजी दिखाई। तो पॉसिबल यही है कि जिस लेवल से ये गिरा था तो उसी लेवल पे ये वापस आने के बाद गिरना स्टार्ट कर सकता है। चाहे 50% ही गिरो लेकिन गिरेगा, रिट्रेसमेंट लेगा, फिर वापस अगर इस लेवल को ब्रेक कर देगा तो ये एक बाइंग जोन बन जाएगा और ये एक डिस्काउंट प्राइस होगी। ठीक है, तो इसी लेवल पे अगेन हमें अगर 41,000 के लेवल पे मिलता है तो हम यहाँ पे बाई कर सकते हैं। ओके, इन चीज़ों को और भी हम बारीकी से समझेंगे। आज के स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट में हमने टर्म्स के बारे में समझा है, जो कि आसान शब्द होते हैं, उन शब्द को कैसे आप जानो एक बार। ओके, ऑपरेटर से बचने के लिए बहुत बहुत स्ट्रेटेजीज हैं, ऑपरेटर को साथ भी एंटर करने की स्ट्रेटेजीज है, सबका सेपरेट अलग अलग वीडियो सीरीज वाइज चलेगा। 1,000 लाइक आप कर देते हो तो बहुत जल्द आपको ये वीडियो भी मिल जाएंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।